प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपसे एक पुराने दवा के बारे में बताना चाहता हूँ। है तो पुराना, लेकिन आज भी वो बहुत प्रभावी है। आप अपने वृक्षों की कटाई छटाई बागीचे में करते हैं, उस कटाई छटाई करने से जिस स्थान पर डाली कटती है वो खुल जाता है, उस पर संक्रमण होने का अंदेशा बना रहता है। तो उसी संदर्भ में आप नाम सुने होंगे, एक चौबटिया पेस्ट होता है, उसका यदि आप इस्तेमाल करें तो कटे हुए स्थान पर संक्रमण नहीं होगा, और जब संक्रमण नहीं होगा तो आपका वृक्ष खराब नहीं होगा। किसान भाइयों, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब कभी आप कटाई छटाई करें उस समय बोर्डो मिश्रण का छिड़काव जरूर बागीचे में कर दें, जिससे कि वृक्ष कम संक्रमित होंगे। इसके बाद जो दवा मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है चौबटिया पेस्ट, और चौबटिया पेस्ट बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो कार्बन कार्बोनेट आपको चाहिए 800 ग्राम, और रेड लेड ऑक्साइड आपके पास होना चाहिए, और 2 लीटर अलसी का तेल होना चाहिए। आप इन दोनों सामग्रियों को अलसी का तेल थोड़ा गर्म करिए और उसमें डाल करके खूब अच्छी तरह से मिला दीजिए, तो आपका ये चौबटिया पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस तैयार चौबटिया पेस्ट को जहां आप डाली काटते हैं वहां इसका लेपन कर दें। कटाई जो आप करें यदि आरे से करते हैं तो बिल्कुल प्लेन सतह मिलेगी आपको चौबटिया पेस्ट लेपन करने के लिए, और आपका पेड़ जो है बाहरी संक्रमण से सुरक्षित रहेगा। इस चौबटिया पेस्ट की एक क्वालिटी है कि ये वर्षा के पानी से धुलता नहीं है। तो किसान भाइयों, आप इसका इस्तेमाल जब भी आप कटाई छटाई करें वृक्षों की, तो जहाँ से कटता है डाली वहाँ आप ये चौबटिया पेस्ट लगाएं। किसान भाइयों, एक बात और बताना है, आजकल जब हमारे आम के पेड़ पुराने हो जाते हैं और उसमें फलन नहीं होती है तो उसे लोग कटवा देते हैं बेकार समझ करके, जो अच्छी बात नहीं है। अब आजकल एक नई तकनीक आ गई है जिसे हम टॉपिंग कहते हैं। आप अपने पुराने वृक्षों को ऊपर से आरे से काट दें, मोटी मोटी डालियों को, और उस पर ये चौबटिया पेस्ट का लेपन कर दें, जैसे कि उसमें संक्रमण नहीं होगा और कटे हुए स्थान के नीचे से नई डालियां निकलेंगी, और उन डालियों में जो मजबूत डालियां हों उनको छोड़ करके बाकी पतली डालियों को काट दीजिए, और फिर देखिए आपके आम के पेड़ में पुनः बौर आने लगेगा और उसमें रसीले फल प्राप्त होंगे, और फिर उन पेड़ों को पुनर्जीवन मिल जाएगा, जैसे कि आप बहुत प्रसन्न होंगे। किसान भाइयों, और नए पेड़ों की भी बहुत ऊंचाई ना हो इसके लिए भी आप टॉपिंग की क्रिया कर सकते हैं। ऊपर से काट दें, चौबटिया पेस्ट लगा दें, नीचे से जो डालियां निकलेंगी नई उनमें से मजबूत डालियों को छोड़ दें, और इन डालियों पर अच्छी फ्रूटिंग होगी और आपका पेड़ हमेशा लाभ देता रहेगा। किसान भाइयों, ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, ये अत्यंत लाभकारी है। आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा या लग गया होगा। इसे आप लाइक करें, दूसरे लोगों को बताएं, और यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।